आज चुनावों के बाद पहली मीडिया इंटरेक्शन करने का मुझे मौका मिल रहा है और आप सबसे और आप चाहे आपके चैनल के माध्यम से आपके न्यूज़ पोर्टल्स के माध्यम से प्रदेश के लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। पिछले कुछ दिन चुनावों के मतदान के बाद हमने जो है पूरा एक इंट्रोस्पेक्शन करी है और अच्छे रुझान पूरे प्रदेश से आ रहे हैं। हालांकि स्थिति तो स्पष्ट होगी जब 8 दिसंबर को प्रदेश में परिणाम आएंगे और हमें पूरा विश्वास है जिस तरीके से हमने केवल शिमला जिला से ही नहीं मगर पूरे प्रदेश के अपने जो हमारे समस्त नेता भी है कार्यकर्ता भी है और जब मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था तो यूथ कांग्रेस की जो हमारी टीम है उनसे भी हमने फीडबैक लिया है। जो पत्रकार अलग अलग क्षेत्र के हैं वहाँ के सिविल सोसाइटी के लोग हैं तो एक जिम्मेवारी जो है वो आने वाले समय पे कांग्रेस पार्टी में को मिलती दिख रही है प्रदेश के अंदर और निश्चित तौर से हमें पूरा विश्वास है कि एक मजबूत सरकार एक पूर्ण बहुमत की सरकार 8 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश के अंदर बनने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि प्रदेश का हर वर्ग मैंने खुद व्यक्तिगत रूप में मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ AICC का जिन्होंने मुझे स्टार प्रचारक की भूमिका में भी एक नया जिम्मेवारी दी और अपने निर्वाचन क्षेत्र के साथ साथ मुझे कई और करीबन 12 से 13 विधानसभा हलकों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग ज़िलों में और वहाँ की जो वास्तविक परिस्थितियाँ हैं भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं और जो एक माहौल एक अंडरकरंट सरकार के खिलाफ हर जगह पे बना हुआ था चाहे वो रिमोट एरिया चंबा का था चाहे कांगड़ा का इलाका था चाहे ऊना जिला का क्षेत्र था चाहे शिमला जिला के अलग अलग क्षेत्र थे इससे ये बात साफ है कि एक अंडरकरंट जो है वो सरकार के खिलाफ निश्चित तौर से है जिसमें हमारे बागवान किसान कर्मचारी और प्रदेश का हर वर्ग क्योंकि ये सरकार ज़मीन पर कोई भी बातें पूरी नहीं कर पाई ये आपको दिखता हुआ भी है और अब मुझे उस पर ज़्यादा विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो परिणाम आएंगे वो खुद ब खुद उस चीज़ को जो है वो दर्शाएंगे।